ताने लगाना चाह रहे हैं, ये सबलगढ़ लूट के माल के हैं। तो इनसे अगर पूछताछ की गई तो इनके घर पे और अन्य माल की भी जब्ती हुई, अन्य सोनी चांदी की देवरात की जब्ती हुई। इन्होंने बताया कि जो अन्य गाड़ी है जो कि पैशन प्रो प्लस ब्लू ब्लैक रंग की है, तो संजय जाटव के घर पे है जो कि कोटा रामनगर कोटा में है, वहां जाके और तस्दीक की गई। तो वहां पर वो गाड़ी भी जब्त हो गई संजय जाटव के घर से, और उसके दोनों भाई बंटी सिंह और मुकेश सिंह, उन दोनों से सोने चांदी का जो माल था जो जेवरात जो गए थे वो भी जब्त। इस प्रकार टोटल इसमें करीब 14 किलो चांदी अभी तक जब्त हो चुकी है और 200 ग्राम सोना जब्त हो चुका है, यानी कि टोटल 18.5 लाख की रिकवरी हो चुकी है। ये जो घटना कारित करने वाले जो मेन लोग थे उसमें है अरुण जाटव, सॉरी संदीप शर्मा, अरुण चौहान, संजय जाटव, भूरा जाटव और राजेश गुजर। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आधे घंटे पहले ही राजेश गुजर को हम लोगों ने राउंडअप भी कर लिया है। बाकी अन्य जो फरार लोग हैं इन सभी के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है और जल्दी उनको मुरैना पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनसे इंक्वायरी जब इंटरोगेशन चल रही थी तो उस इंटरोगेशन में ये भी निकल के आया कि 10 सितंबर को जो ग्वालियर में लूट हुई है उसमें भी यही लोगों का सम्मिलित होना पाया जा रहा है, और 17 अगस्त को जो दतिया में लूट हुई है उसमें भी इन लोगों का सम्मिलित होना पाया जा रहा है। दोनों पुलिस अधीक्षकों को सूचित कर दिया गया ताकि इनकी फर्दर इंटरोगेशन की जा सके और जो घटनाएं लूट की घटनाएं हुई है इनके बारे में और तस्दीक की जा सके, तथा जो संपत्ति जो उन्होंने लूटी है दोनों अपराधों में उनकी रिकवरी की जा सके। इसमें मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा और साथ